हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग चैप्टर टू पॉलिनोमियल का पार्ट टू डिस्कस करेंगे। और आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज एंड कोफिशेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कल के लेक्चर में हमने ज़ीरोज समझा था कि ज़ीरोज क्या होते हैं या रूट्स क्या होते हैं। एक बार दोबारा से रिविजन कर लेते हैं। ज़ीरोज या रूट्स वो वैल्यू है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जिसको रखने पर उसका आंसर ज़ीरो आ जाता है, मतलब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो आज हम इससे एक डेरिवेशन सीखेंगे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा बी द ज़ीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लेके चले पी एक्स, जहाँ पे ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है। हमें पता है क्यों नहीं है, क्यों ज़ीरो होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो फिर ये क्वाड्रेटिक ना होके लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो ये वाली बात तो समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो अगर हम दोनों ज़ीरोज को ऐड कर दें, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज निकालें, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए। तो आपको बी ए और ए बी सी तीनों की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि वो है क्या एक्चुअली। तो देख लेते हैं व्हाट इज़ बी। बी हेयर इज़ द कोफिशेंट ऑफ एक्स, ठीक है, और व्हाट इज़ ए, ए इज़ कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये एक जनरल टर्म है, मतलब ए बी सी की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए में ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो एक्स का कोफिशेंट होता है, जो जबकि जो नीचे वाला पोर्शन है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है, वो भी माइनस के साथ। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों ज़ीरोज़ को प्रोडक्ट कर दें, मतलब अगर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालें तो इसकी वैल्यू आएगी सी अपॉन ए। तो वॉट इज़ सी? सी इज़ कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन ए, इज़ सिमिलर पुराने वाले की तरह कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो हम जिस हिसाब से सीखेंगे उसमें मैं इस टाइप वाले क्वेश्चन को टाइप वन कंसिडर करूँगी। तो टाइप वन में आपको सीधा सा एक क्वेश्चन दिया जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कुछ ये है कि फाइंड द ज़ीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स ज़ीरोज एंड कोफिशेंट। तो ये टाइप वन वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको सीधा सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, उसके बाद आपको उसके रूट्स निकाल के, मतलब ज़ीरोज निकाल के उनका और उनके कोफिशेंट के बीच का रिलेशनशिप पूछा जाएगा। बस सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। तो चलिए सीखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा होगा, आज हम दोबारा से सीखेंगे उसे। तो जैसे ये दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू वन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व। क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो मैंने इसे यहाँ वन लिख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, ये होता है हमारा सी और ये होता है हमारा ए, वो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था ये चीज़। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है उसका और इस कॉन्स्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब वन का ट्वेल्व में मल्टीप्लाई किया, ट्वेल्व इंटू वन इज ट्वेल्व। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, हमें इस साइन को देखना है। ये साइन क्या है, प्लस। इसका मतलब 12 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12 को हमने क्या किया, 2 सिक्स 12, 2 थ्री 6, 3 वन 3। अब इस साइन को देखते हुए हम इसके जो फैक्टर्स आए हैं उनको हम स्प्लिट करेंगे दो हिस्सों में। इस वाले मेथड को मिड टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, और वो इसलिए क्योंकि हम बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। तो उसे हमें सिर्फ दो पार्ट में स्प्लिट करना है, वो कुछ इस तरीके से कि प्लस करने पर तो 7 आए और प्रोडक्ट करने पर 12 आ जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन मुझे चेक करना पड़ेगा, तो ऊपर के अगर दोनों का कॉम्बिनेशन ले लूँ, मतलब ये 4 और 3 ले लूँ, तो 4 प्लस 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा, वही हमें चाहिए। और 4 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। इसका मतलब मेरा ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। तो चलिए अब इस वाली वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, जैसा था पहले जैसा, 7 की जगह हमने 4 प्लस 3 में इसे स्प्लिट कर दिया, एक्स पहले से ही था, प्लस 12। अब क्या करेंगे, क्योंकि एक्स ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब ये अंदर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 4x प्लस 3x प्लस 12। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, एक्स, एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, एक x बचा, प्लस 4x में से x बाहर आ गया, अंदर बचा 4, प्लस
3x और 12 में 3 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा अंतर x और यहाँ क्या बचा 4। फिर अगर इस पूरे वाले टर्म में देखें तो इस वाले में भी x प्लस 4 आ रहा है, इस वाले में भी x प्लस 4 आ रहा है। इसका मतलब x प्लस 4 इस वाले सेक्शन में से बाहर निकाला जा सकता है। फिर से हमने x प्लस 4 बाहर निकाल लिया, जब x प्लस 4 बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा x प्लस 3, मतलब दो सेट बन गए, एक x प्लस 3 का और एक x प्लस 4 का। तो ये बेसिकली दो फैक्टर्स आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। तो क्योंकि हमें जीरोस निकालना है तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं जो उसके फैक्टर्स आए हैं। तो ये हमने रख दिया x प्लस 4 और x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो चलिए ज़रा ये वाली चीज़ समझ लेते हैं कि अब इसको इक्वेट करके ज़ीरो में हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ज़रा छोटी सी बात है, आप एक चीज़ देखिए कि जैसे मैंने रखा 5 × 0 इक्वल टू, तब भी ज़ीरो आएगा, या मैंने लिखा 0 × 5 तब भी ज़ीरो आएगा। इसका मतलब दो अगर नंबर हैं और उनका इक्वल टू के तरफ ज़ीरो है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो पहला टर्म ज़ीरो हो, क्योंकि भाई ज़ीरो में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे तो वो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों चीज़ें या तो दोनों ही ज़ीरो हो सकती हैं या एक इनमें से कोई एक होगा। तो हम एक एक करके इसको ज़ीरो के इक्वेट पुट करेंगे। तो चलिए हमने वही चीज़ करी, x प्लस 4 को इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दिया। इस साइड ये प्लस में है तो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। दूसरी वैल्यू x प्लस 3 इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 3। इसका मतलब इस वाले फंक्शन के ज़ीरोज़ क्या आ गए, माइनस 4 और माइनस 3। तो बिल्कुल हमें एक वही चीज़ निकालनी थी, हमको वेरीफाई करना था ज़ीरोज़ और उनके कोफिशेंट के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाला। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब जो ज़ीरोज़ आए हैं उनका सिंपल सम कर देना है। तो ज़ीरोज़ ये थे माइनस 4 एंड माइनस 3, तो माइनस 4 प्लस माइनस 3। प्लस क्यों, क्योंकि हम सम निकाल रहे हैं। तो माइनस 4 प्लस माइनस माइनस होता है तो ये 3 हो गया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और साइन किसका आता है, बड़े का। तो पहले प्लस करेंगे, 4 प्लस 3 इज 7, और साइन किसका, जो बड़ा है 4, तो उसका साइन आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे चेक करते हैं। 7 आ रहा है हमारा, तो 7 इज़ व्हाट, अगर हम इससे कंपेयर करें, 7 इज़ कोफिशेंट ऑफ x, अगर इससे कंपेयर किया जाए तो ऊपर लिख देंगे माइनस, माइनस फॉर्मूले का, कोफिशेंट ऑफ x अपॉन 1 इज़ व्हाट, यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, तो मतलब वो a है, तो कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक निकाला है, जो हमारे ज़ीरोज़ आए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। अब हम चेक करते हैं प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई कर देना है अपन को, तो माइनस माइनस इज प्लस, 4 × 3 = 12। अब हम इसे कैसे चेक करेंगे, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए, सी मतलब कॉन्स्टेंट टर्म। तो देखते हैं ज़रा, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन ए, ए इज़ इसके नीचे कुछ नहीं है, अपन 1 लगा देते हैं, 1 क्या है, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मुझे लगता है कि आपको ये वाला क्वेश्चन और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। बस आज के लिए आज हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।